अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनों हज़रात, तो क्या हाल हैं आप लोगों के। सबसे पहले तो कान पकड़ के सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा। उसकी भाई वजह है, उसकी वजह ये है कि मैं पिछला पूरा वीक जो है ऑफिस के भी कुछ कामों में बिज़ी था और साथ में पॉडकास्ट की शूटिंग्स में भी बिज़ी था, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है भाई। तो आज मैं कुछ फ्री था तो कुछ मेरे जहन में कॉन्टेंट आ नहीं रहा था कि इतने से टाइम में क्या किया जाए। तो मैंने फिर एकदम सोचा कि यार क्यों ना इस बंदर के साथ कुछ चैलेंज कर लिया जाए। तो अब इसके लिए मैंने चैलेंजेस तो सेलेक्ट कर लिए हैं कि 5 चैलेंजेस मैंने इसके लिए सेलेक्ट किए हैं, और इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या चैलेंजेस हैं। वो मैं इसको भी बताऊंगा, इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो अगर इसने एक चैलेंज कर ली, मतलब जो जितने चैलेंजेस ये करता गया उस हिसाब से इसको गिफ्ट मिलेंगे। अब आजकल के बच्चे गिफ्ट किस में लेते हैं, कैश में लेते हैं। तो भाई इसको मिलेंगे पैसे, मेरे हाथ में है इस वक्त 4,500 रुपये। इसने पहला चैलेंज अगर सॉल्व कर लिया उसको मिलेंगे 500। उसके बाद जितने से चैलेंजेस सॉल्व किए उसको हर एक चैलेंज में 1,000 रुपये मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को फिर यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने जितने भी चैलेंजेस सेलेक्ट किए हैं वो रिलेटेड टू मैथ्स किए हैं, क्योंकि इसकी मैथ्स माशाल्लाह से अच्छी है थोड़ी, तो उस हिसाब से ही मैंने इसके हिसाब से ही जितने भी चैलेंजेस हैं सेलेक्ट किए हैं। तो भाई अब बारी है चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 1 क्या है, वो ये है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है शामिर, कौन सी लैंग्वेज में रोमन। तो ये लिखा हुआ है रोमन में 9, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये चैलेंजेस हैं तो मैथ्स से रिलेटेड, मतलब इसमें लेकिन प्लस माइनस वगैरह डिवीजन वगैरह नहीं है, आईक्यू शामिल है। इसको आईक्यू से अपना ये चैलेंज सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये रिडल्स वगैरह भी अच्छी सॉल्व कर लेता है, इस वजह से मैंने इसको दिया है। भाई ये नहीं बोलना कि इतने से बच्चे को इतना मुश्किल चैलेंज है, बहुत आसान है, ये सारे इसके लेवल के हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हें इसमें करना ये है कि तुम्हें इस 9 को 6 बनाना है, और तुम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? हाँ पूरा सुन लो, इस 9 को तुम्हें 6 बनाना है, लेकिन सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे ये 6 बन जाए। कैसे? अब वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा टाइम जो है वो सिर्फ तुम्हें 20 सेकंड्स मिलेंगे, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 5 6 7 8 नहीं कर पाएगा, मुझे लग रहा है पहले ही नहीं कर पाएगा। इसने पहला कर लिया तो 500 रुपये हो जाएंगे इसके। 10 आ गया, अबे कर लिया इसने ये तुमने कहीं देखा होगा है ना? नहीं, नहीं कहीं तो देखा होगा तुमने, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम इतनी जल्दी कर लो इसको। नहीं ये चीटिंग है, मैं नहीं दे रहा 500, जाओ। अबे नहीं इधर इधर दो आप, इधर दो, अबे इधर दे वापस, दे इधर पैसा मुझे दे दो। यार इसने कर लिया इतनी जल्दी, 10 सेकंड में कर लिया ये चैलेंज। चलो इसको मिल गए 500 रुपये। अब बारी है चैलेंज नंबर 2 की। तो भाई ये एक चैलेंज तो जीत चुका ये वाला, जिसमें इसको 500 रुपये मिल गए। अब दूसरा चैलेंज क्या है भाई, गौर से सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 100 और 100, ठीक है। अब तुम सिर्फ इसमें भी सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे ये 200 बन जाए। कैसे यार? मुझे नहीं पता कैसे बन जाए, करके दिखाओ। इसमें मैं तुम्हें दे देता हूँ चलो 25 सेकंड्स, सही है। 1 2 3 भाई देख लो ये वाला कर लिया, 1,000 और मिल जाएगा। 4 5 6 7 8 9 भाई गौर से सुनो, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे ये बन जाएगा 200। उड़े ये क्या है उसे बताओ पहले। टू नहीं, ये क्या बनाया क्या है, ये 1 है। टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोमिस बाय गॉड, मैंने इसको कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसको नहीं बताया, ये भी इसने कर लिया है। ये तो बेटा तुम कहीं देख रहे हो ये वाले चैलेंजेस, सच सच बताओ कहीं तो देख रहे हो, तुम्हें कैसे पता है, तो अभी ने गिनना शुरू भी नहीं किया। तो ये क्या मतलब, ये TOO वाला 2 है ना, 200। मैंने वाकई नहीं बताया इसको कुछ। अब भाई पैसे पे पैसा लिए जाया जा रहा है, ये दूसरा चैलेंज भी कर लिया इसने। तो भाई शामिर जीत चुका है, 1,500 मुझसे ले जा चुका है, 1,000 रुपये इसने ये उठा लिए और 500 वो उठा लिए।
अब मेरे पास पीछे सिर्फ 3,000 रुपये रह गए। मुझे लग रहा है ये पता नहीं इसको कहीं से कहीं ना कहीं से तो ये सीख रहा है और ये वाला चैलेंज भी जीत चुका है। तो अब बारी है चैलेंज नंबर 3 की। चैलेंज नंबर 3 जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊं, वो थोड़ा सा अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शामिर के लिए भी डिफिकल्ट है। तो भाई शामिर चैलेंज नंबर 3 है वो ये है कि ये बना हुआ तुम्हारे सामने एक उल्टा वाई, ठीक है भाई, बहुत ख़राब सा बना हुआ है, पेपर से ऐसी बनाना आता है। इस वाई के पेट में पड़ा हुआ है एक पेबल, ठीक है, मैंने इसके पेट में रख दिया एक पेबल। अब तुम्हें जो करना है वो ये करना है कि तुम्हें सिर्फ इन जो चार स्टिक्स है ना इसके अंदर, तो इस चार स्टिक्स में से तुम्हें सिर्फ अलाव दो स्टिक्स हैं, मतलब तुम्हें सिर्फ दो स्टिक्स हिलाना अलाव है, तुम इसको हिला सकते, दो स्टिक्स को हिला सकते हो। तुम्हें वाई ही बनाना है लेकिन ऐसा बनाना है कि ये पेबल इसके पेट में से बाहर आ जाए, ठीक है। अब तुम मुझे बना के दिखाओ कि सिर्फ दो स्टिक्स हिलानी है, ये वाई भी बन जाए, ठीक है, और ये पेबल भी इसके पेट से बाहर आ जाए, भले राइट पे आ जाए, लेफ्ट पे आ जाए, ऊपर आ जाए, मसला नहीं, पेट से बाहर आ जाए। अब बना के दिखाओ, ये पक्का हारेगा, ये वाला पक्का बता रहा हूँ मैं, हारेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ मतलब हाँ उठ जाओ, इसमें मार्कर का काम नहीं, मार्कर हटा दो उसमें से। मैं बता रहा हूँ ये पक्का हारेगा, इस वाले में पक्का हारेगा। कैसे करोगे, करके दिखाओ ना, जल्दी करो भाई, दूसरे जो किए इतनी भाई, एक स्टिक तुम रिमूव कर चुके हो ना, वो तो ये क्या किया, हार मान ली, हार नहीं मानने वाले, क्यों नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं कर पाएगा, करके दिखा, चलो अगर तुमने करके दिखा दिया ना, नहीं तीन स्टिक नहीं है, दो स्टिक है, कोई तीन स्टिक नहीं है, अगर तुमने करके दिखा दिया ना ये वाला, तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं अपनी तरफ से एक और 1,000 रुपये दे दूंगा बस, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें इस वाले के 2,000 रुपये मिलेंगे। थ्री, नहीं तो सब स्टिक हिला दी, सब स्टिक हिला दी, 2-1, हार मान गए, वह हार क्या मान गए, हार गए। तो फाइनली मैंने शामिर को तीसरे चैलेंज में हरा दिया है। अब मैं उसको बताऊंगा और आप लोग भी बताऊंगा कि ये हम कैसे इस ऑब्जेक्ट को दो स्टिक हिला के वाई बना सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को बाहर ला सकते हैं। यही बोला था मैंने कि हम सिर्फ दो स्टिक हिला सकते हैं इनमें से और इस ऑब्जेक्ट को वाई से बाहर लाना है। तो ये देखो मैं कैसे करूँगा, ये रही एक स्टिक, ठीक है, मैंने ये एक स्टिक हिलाई, ठीक है, और ये दूसरी स्टिक हिलाई भाई बन गया भाई और ऑब्जेक्ट भी बाहर आ गया। नहीं 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 चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, हार गए हो जल्दी से, नहीं चीटिंग नहीं, इधर जल्दी से ले आओ, तो यार सही है। तो भाई एक मैं जीत चुका हूँ और अब जो है इसके साथ करेंगे हम चैलेंज नंबर 4 और चैलेंज नंबर 5। अब है चौथा चैलेंज क्या है, तो चौथा चैलेंज ये है भाई शामिल, जो जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। 5 + 5 = 550, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 = 550। अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये 5 + 5 + 5 क्या होगा, वैसे 15 होगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, 5 + 5 + 5 = 550 तो नहीं हो सकता है ना, तुम्हें सिर्फ इसमें भी सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, सिर्फ एक लाइन इसमें तुम ड्रॉ करोगे जिससे ये जो है 550 बन जाए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये बहुत इजी है, अगर ये अपना दिमाग लगा ले तो ये जीत सकता है। इसमें मैं तुम्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा दूंगा, इसमें तुम्हें तुम्हें दे देता हूँ 35 सेकंड्स। नहीं नहीं नहीं, 35 सेकंड्स हैं। 1 12 13 14, बेटा हार जाओगे, 15 नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा ये, लेकिन है बहुत आसान है ये, इसने अगर कर लिया तो अच्छी बात है, इसमें IQ ज़्यादा है, मैथ्स कम है, लेकिन बहुत आसान है ये, लेकिन मुझे लग रहा है ये वाले 1,000 भी मैं जीतूँगा। 18 19, नहीं आया ना, कहाँ से आ गया, अबे ये तुम कहीं देखते हो, मुझे लग रहा है बेटा ये तुम फिर ऐसे ही मैंने IQ लगाया।
क्या है, कैसे किया, एक्सप्लेन करो उसको जरा, कैसे किया मुझे पता, मुझे भी बताओ। 545 + 5 क्या 550। एक और 1000 रुपए गया मेरा। मुझे लगा था नहीं कर, ये था तो आसान लेकिन मुझे नहीं लगा था ये कर पाएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ना आईक्यू था आपका ज्यादा। यार दे दो यार 1000 रुपए वापस, दे दो यार, पैसा मुझे दे दो भाई। लास्ट चैलेंज में इसको लाजमी हराऊंगा, देखना। इसने अब जीत लिए 2500 रुपये, मैंने जीते 1000 रुपये, अब लास्ट जो बचा ये 1000 रुपये बचा, ये मैं जीत के दिखाऊंगा इसको। मैं इसको ये जो, अब जो लास्ट वाला चैलेंज है ना वो इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, अब देखते हैं कैसे जीतता है ये। तो चलो चैलेंज नंबर 5 की तरफ। तो भाई अब अपना 5वां चैलेंज स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। इस वक्त मेरे सामने रखे हुए हैं ये 6 ग्लासेस। क्या रखे हुए हैं? 6 ग्लासेस। अब इसमें तुम्हें करना क्या है, देखो मेरे हर चैलेंज में एक चीज कॉमन है, कि या तो एक स्टेक हिला सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। तो इसमें भी वही है कि बेटा आप सिर्फ इसमें एक ही गिलास हिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक गिलास को हिला के करना क्या है, आप सिर्फ इसमें से एक गिलास को मूव कर सकते हो, मतलब एक गिलास के साथ कोई एक्शन कर सकते हो, जिससे ये ऐसे बन जाए कि एक भरा हुआ एक खाली, एक भरा हुआ एक खाली, एक भरा हुआ एक खाली। समझे, समझ गए करना क्या है, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ तुम एक ही गिलास हिला सकते हो, उसके बाद ये इस तरह हो जाए। तो कौन सा गिलास हिलाओगे, क्या करोगे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसमें सिर्फ तुम्हें 15 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत आसान चैलेंज है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको इसमें सिर्फ 15 सेकंड्स मिलेंगे। तो फाइनल, तभी फाइनल मुश्किल ही होता है बेटा, फाइनल तो मुश्किल होता है, आप लोगों को भी पता है। ये चैलेंज बहुत आसान है, इसमें कुछ मैच नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आईक्यू लगेगा। अब देखता हूँ अपना कितना आईक्यू लगा सकता है ये। क्या हुआ इससे, ये तो वही हो गया, क्या नहीं वही हो गया, ये तो एक ट्राई हो गई। अच्छा इसमें सिर्फ इसको 3 ट्राई थी, ये एक ट्राई कर चुका है, अब इसकी सिर्फ 2 ट्राई बाकी हैं, ठीक है। चलो मैं टाइमर नहीं लगा रहा, टाइमर जब मेरा मूड होगा मैं रोक दूंगा। इसके बाद 3 ट्राई थी, इसने जो है 1 कर ली, 2 बाकी हैं। जल्दी करो, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, करके देखो क्या कर सकते हो। क्या हुआ, वही हो गया, इसको वहीं रखना पड़ेगा इस ग्लास को तुम्हें, नहीं एक्शन हो गया ना, अब इस ग्लास को तो वहीं रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या हुआ ये, एक भरा हुआ एक खाली, 2 भरे हुए, नहीं नहीं कर तो सही दिया, लेकिन तुमने 2 एक्शंस में किया है, तुमने एक ग्लास उठा के पहले इधर, नहीं ना गलत किया है ये कि भाई मैंने तुम्हें क्या बोला, सिर्फ एक गिलास हिला सकते हो, तुमने इसमें 2 गिलास हिला दिए। हाँ बस गलत हो गया, दूसरी ट्राई भी गई इसकी। भाई कोई एक्शन पैक्शन एक्शन माइकल जैक्सन कुछ नहीं बता रहा मैं, आपने 2 ट्राई खराब कर दी। आखिरी ट्राई में ये, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, आखिरी ट्राई में सिर्फ 10 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 गलत हो गया, आपने 2 गिलास हिला दिए, आपका खत्म, टाइम खत्म, आपने 2 गिलास हिला दिए, आपकी 3री ट्राई भी खत्म हो चुकी। और मैंने बोला था कि मैं उसको लास्ट चैलेंज हराऊंगा, इसने जो दूसरी ट्राई की है वो बिल्कुल सही करी थी तकरीबन। अब मैं आपको करके दिखाऊं कि वो कैसे होगा। इसने दूसरी ट्राई में क्या करा कि इस गिलास को उठाया और इस गिलास को इसमें भर दिया। तो इस बंदर को इतनी नहीं अकल कि ये इस गिलास को उठा के अगर इस गिलास में डाल देता और वापस इस गिलास को अपनी जगह पर ही रख देता तो ये एक भरा हुआ एक खाली, एक भरा हुआ एक खाली, एक भरा हुआ एक खाली। बेचारा हार गया लास्ट वाला, मैंने बोला था मैं नहीं जीतने दूंगा। तो भाई ये है कि शामीर साहब जो है 5 चैलेंजेस में से 3 तो चलो शामीर ने जीत लिए, अगर देखा जाए ओवरऑल शामीर जीत गया है, लेकिन आपके भाई ने 2000 रुपये बचा लिए भाई। तो आज का चैलेंज अगर देखा जाए तो भाई शामीर इज द विनर। भाई इतना खुश नहीं हो, बस जीत गए, आसान चैलेंज थे। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है इस तरह की वीडियोज़ आपको और चाहिए कि नहीं। इंशाल्लाह मेरा पॉडकास्ट बहुत जल्द लाइव होने वाला है, लाइव से मुराद है कि मतलब अपलोड होने वाला है, इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में जो है पॉडकास्ट आ जाएगा। उससे पहले हो सकता है एक और जो है कुछ एडवेंचरस चीज़ आपको देखने मिले। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की आपको ये वीडियो, आज का चैलेंज कैसा लगा, और आगे भी ऐसे चैलेंजेस हम करें कि नहीं करें।
आप नहीं भी बोलेंगे हम फिर भी करेंगे। तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अब अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।